नमस्कार, ब्लैकबक बॉस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप HPCL या रिलायंस ऑनलाइन डीजल कार्ड बॉस ऐप पर कैसे अप्लाई कर सकते हैं और उसी का उपयोग कैसे करें। शुरू करने के लिए अपने एंड्रॉइड फोन पर प्ले स्टोर पर जाएं और ब्लैकबक बॉस को खोजें और इंस्टॉल करें। कृपया उस मोबाइल नंबर का उपयोग करके रजिस्टर करें जिस पर आप अपने बॉस के सभी अलर्ट प्राप्त करना चाहते हैं। आपको अपने मोबाइल नंबर पर एक OTP प्राप्त होगा और आपको उसे एंटर करना होगा। होम पेज पर डीजल कार्ड ऑप्शन पर क्लिक करें। अब रजिस्टर ट्रक ऑप्शन पर क्लिक करें। इस पेज में अपने ट्रक का रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करें और वेरीफाई पर क्लिक करें। आपका ट्रक अपने आप चेक हो जाएगा और 15 मिनट में वेरीफाई हो जाएगा। HPCL लोगो के बगल में सक्रिय ऑप्शन पर क्लिक करें। सबसे पहले आपको ट्रक की RC अपलोड करनी होगी। अपलोड पर क्लिक करें। आपको सामने और पीछे दोनों तरफ अपलोड करना होगा। कैमरा आइकन पर क्लिक करें और RC की स्पष्ट फोटो लें। अपलोड होने के बाद पुष्टि करें या कन्फर्म पर क्लिक करें। बैकसाइड के फोटो के लिए चरणों को दोहराएं। आगे हमें आपसे एक ID प्रूफ और एक एड्रेस प्रूफ चाहिए। सबसे पहले आपको हमें अपना एड्रेस प्रूफ देना होगा। कृपया ध्यान दें, आप इनमें से किसी भी ऑप्शन को चुन सकते हैं। यहाँ मैं अपने ड्राइवर्स लाइसेंस का उपयोग करूंगा। मैं फ्रंट साइड और बैक साइड तस्वीर दोनों अपलोड करूंगा। इसके बाद अपना पैन कार्ड अपलोड होगा। कृपया स्पष्ट फोटो लें और कन्फर्म करें पर क्लिक करें। कृपया ध्यान दें, आपके पास RC, पैन और एड्रेस प्रूफ एक ही ट्रक मालिक का होना चाहिए। कृपया कन्फर्म करें कि आपने नियम और शर्तें सिलेक्ट किया है और फिर सबमिट पर क्लिक करें। अब आपके ट्रक को वेरिफिकेशन के लिए भेजा जाएगा और ऐप पर वेरिफिकेशन पेंडिंग देख सकते हैं। हमारी टीम 24 घंटे में आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेगी। अब हम देखते हैं कि कैसे अपने रिलायंस डिजिटल कार्ड को रिचार्ज करें। शुरू करने के लिए ट्रक नंबर के आगे रिलायंस लोगो पर क्लिक करें। कृपया ध्यान दें, आपको अपने रिवॉर्ड्स क्लेम करते वक्त रिलायंस कार्ड के लिए अपना KYC पूरा करना होगा। हम हर महीने के पहले सप्ताह में रिवॉर्ड्स की घोषणा करते हैं। रिचार्ज करने के लिए वो राशि डालें जिसे आप रिचार्ज करना चाहते हैं। आप अपने बॉस खाते की बैलेंस तक दर्ज कर सकते हैं। यदि आपके पास पर्याप्त बॉस बैलेंस नहीं है तो पहले अपने बॉस खाते को रिचार्ज करें। इसके बाद आपको ड्राइवर का विवरण जोड़ना होगा जो ऑनलाइन कार्ड प्राप्त करेगा। सिलेक्ट ड्राइवर पर क्लिक करें और आप या तो लिस्ट से ड्राइवर सिलेक्ट कर सकते हैं या ड्राइवर जोड़ें चुनें और अपना पूरा नाम और मोबाइल नंबर जोड़ें और जोड़ें पर क्लिक करें। अब पेज के निचले भाग में रिचार्ज पर क्लिक करें और आपका कार्ड रिचार्ज हो जाएगा। आपके ड्राइवर को अब ऑनलाइन कार्ड डिटेल्स का एक SMS मिलेगा और वो डीजल भरने के लिए किसी भी रिलायंस पंप पर जा सकता है। जब आपका ड्राइवर रिलायंस पंप पर पहुंच जाता है तो उसे पंप ऑपरेटर को SMS दिखाना होगा। ऑपरेटर POS मशीन पर पहले ऑपरेटर F1 का चयन करेगा और पंप नंबर का चयन करेगा। फिर फ्लीट ऑप्शन 3 का चयन करें। वेदर यू हैव अ लॉयल्टी कार्ड ऑप्शन में नहीं चुनें। इसके बाद वे मोबाइल नंबर विकल्प 3 का चयन करेंगे और मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे। फिर वे उस ट्रक नंबर को दर्ज करेंगे जो मोबाइल नंबर के साथ जुड़ा हुआ है और उसी को वेरीफाई करता है। ड्राइवर को पिन दर्ज करना होगा और ट्रक नंबर को फिर से वेरीफाई करना होगा। अब चालक को अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP SMS मिलेगा। ड्राइवर को POS मशीन पर इस OTP को दर्ज करना होगा और अमाउंट दर्ज करनी होगी। सफल ट्रांजैक्शन के लिए प्लीज स्टार्ट फ्यूलिंग संदेश दिखाया जाएगा और पंप ऑपरेटर डीजल भरना शुरू कर देगा। आज ही अपना ऑनलाइन डीजल कार्ड रिचार्ज करें और हर ट्रांजैक्शन पर बेनिफिट पाएं। बॉस ऐप पर हर डीजल ट्रांजैक्शन के लिए रिवॉर्ड्स प्राप्त करें। बॉस ऐप पर रिवॉर्ड्स पेज पर जाएं और अपने पॉइंट्स क्लेम करें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आगे किसी भी संदेह के मामले में कृपया हमें हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें।